दुर्गा पूजा आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, तो आज मैं दुर्गा पूजा स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकी फूड एंड फन। दुर्गा पूजा में वेज नॉन वेज हर तरीके की कुछ स्पेशल रेसिपी सभी लोगों के घर में बनता ही है, तो मैं भी ट्राई करूंगी कुछ झटपट बनने वाला और खाने में लाजवाब फ्लेवरफुल रेसिपी शेयर करने की। तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी और क्विक रेसिपीज मैंने शेयर किए हैं, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो मेरी आज की रेसिपी है हिलशा स्टीम फिश करी, जिसे इलिश भापा भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इजी और झटपट बन जाता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो मैंने यहाँ पे चार हिलशा फिश लिए हैं, जिसको अच्छे से साफ करके वॉश कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और फिर फिश के पीसेस को अच्छे से हल्दी नमक से कोट करके मैरिनेट कर लूँगी, और फिर मैरिनेटेड फिश को एक साइड में रख दूँगी। अब एक मसाला तैयार करूँगी, तो एक मिक्सिंग जार में ले रही हूँ 1.5 से 2 बड़ा चम्मच सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक डालकर पहले हम इसको ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए बिल्कुल फाइन एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब एक कोई भी हीट प्रूफ एयरटाइट कंटेनर या फिर ऐसे स्टील का टिफिन बॉक्स हो तो वो ले लीजिएगा, और फिर इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ पेस्ट, और मिक्सिंग जार में 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर उसे भी डाल दूंगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 से 2 बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान दीजिएगा, नमक मैंने पहले भी डाला है, तो नमक और रेड चिली डालते समय थोड़ी सी ध्यान से डालिएगा। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा। मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें एक एक करके मैरिनेटेड फिश के पीसेस को डालूंगी, और फिश के पीसेस को मसाले के साथ कोट करके अगर टाइम हो तो 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। और डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके, और ऊपर से डाल दूंगी 1 से 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने बहुत सारे इजी रेसिपी शेयर किए हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी पानी गरम कर लिए है, अब इस टिफिन बॉक्स को ऐसे रख देंगे और ऊपर से लीड लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर स्टीम करूँगी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिश अच्छे से पका है कि नहीं, अगर ज़रूरत हो तो और कुछ देर के लिए स्टीम कर लीजिएगा। तो हमारी इलिश भापा तैयार हो चुका है, चलिए खोल कर देखते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, और इसमें सरसों का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजीली बनकर तैयार हुआ है इलिश भापा, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, तो इस दुर्गा पूजा में ऐसे झटपट रेसिपीज बनाइए, खाइए और खूब एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नए कुछ रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।